हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1A के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आरएस अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। और हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व तो करेंगे ही, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि उस प्रॉब्लम के पीछे उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना कि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और उन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको जो है 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि उन दिए गए रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर्स और निकालने होंगे। और कैसे निकालना है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दो रेशनल नंबर्स हैं वो ये हैं। एक तो आपका 3/5 है और एक यहाँ पे 7/8 है। तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि एक ही प्रॉब्लम के एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमको यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। R1 मान लो पहला रेशनल नंबर, R2 दूसरा रेशनल नंबर और R3 तीसरा रेशनल नंबर। तो अगर हमको R1 निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो दो रेशनल नंबर्स हैं 3/5 और 7/8, इनको आप पहले क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है, और बाहर क्या कर लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम थोड़ा यहाँ देख लेना कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या करिए कि 5 और 8 इनका आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम यहाँ पे 40 आएगा। अब क्या करो कि इस 40 को इसके डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और उस 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो तो तुम्हें 24 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 40 को 8 से डिवाइड करो तो 5 आया क्वेश्चन, और उस 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर लो तो यहाँ पे 35 मिल जाएगा। और यहाँ 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे अब 24 और 35 को जब जोड़ोगे तो रिजल्ट 59/40 मिल जाएगा। और यहाँ 1/2 है ही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमीटर का डिनोमीटर से करना, तो 59 और 40 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया है कि जब आपने इन दो रेशनल नंबर को ऐड करके बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमने R1 हमने निकाल लिया। अब R1 का रिजल्ट क्या आया बेटा, यहाँ पे 59/80 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे। अब सेकेंड रेशनल नंबर कैसे निकालोगे, इसके लिए आप क्या करो कि जो R1 आया है और जो 7/8 है इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब R1 का रिजल्ट 59/80 आया है और यहाँ पे 7/8 है, यहाँ पे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अब देख रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। अब आप ये देखो, इसका डिनोमिनेटर तो 80 है, तो आप ये सोचो क्या 8 के टेबल में 80 आता है, तो आप कहो यस ऑफ कोर्स 8 के टेबल में 80 आता ही है। तो आप क्या करो कि इसमें 8 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 10 टाइम्स पढ़ोगे, तो 10 यहाँ यानी इसके डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर लो और इसके न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिला, 59 + 70, डिनोमिनेटर 80 और बाहर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 59 और 70 को जब जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा 129/80 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमें ये मिला। अब बाहर 1/2 है, तो अब यहाँ पे क्या करो कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे तो 129 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करोगे तो यहाँ पे 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा R2 का जो वैल्यू है 129/160 है, ठीक है। अगर आपको अब R3 निकालना होगा तो मैं बस क्लू दे रहा हूँ, आप R3 को निकाल लीजिएगा, क्लियर। कैसे करना होगा अदा देखो, R3 को निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि R2 का जो रिजल्ट है 129/160
इसमें आप 7/8 ये जोड़ लीजिएगा, क्लियर, और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे r3 का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी देख लें कि दूसरे तरीके से अगर तुम उसको निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो आप ये जो 3/5 है, क्लियर, अगर तुम इसको डेसिमल में बदलना चाहो तो आप 3 को 5 से डिवाइड कर लो, क्लियर, तो 5 का टेबल 1 टाइम्स तो पढ़ नहीं सकते हो, पहले 0 टाइम्स पढ़ लो, क्लियर, यहाँ मिला 3, डेसिमल दोगे तो तुमको एक 0 मिल जाएगा और ये जाएगा 5 6 30। तो आपने ये देखा कि 3/5 को जो है हम 0.6 ले सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से 7/8 है, अब यहाँ पे अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिला 8 0 0 7, डेसिमल ले लो 0, 8 8 64, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये 6 हुआ, डेसिमल आपने दिया ही हुआ तो 0 मिल जाएगा, और 8 7 56। ठीक है, हम फिलहाल इसको हम यहीं तक हम रहने दे रहे हैं, ठीक है ना, यहीं तक हम रहने दे रहे हैं 0.87 अप्रॉक्स तक, क्लियर, अप्रॉक्स फिलहाल यहाँ तक लिख लो, और इन दो डेसिमल नंबर के बीच में, ठीक है ना, हम अन्य डेसिमल नंबर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही तालम के एक से अधिक सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो 3/5 को आपने जब डेसिमल में बदला था तो 0.6 आया था, और जब 7/8 को जब आपने डेसिमल में जब कन्वर्जन किया था तो आपको मिला था 0.87 अप्रॉक्स में, क्लियर। चाहो तो तुम इसको एक ही प्लेस तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.6 और 0.8 के बीच में हम कई सारे डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 0.61 लिख सकते हैं, 0.62 लिख सकते हैं, 0.63 लिख सकते हैं, 0.64 लिख सकते हैं। अब अगर ये नंबर हम लिखते भी हैं तो आपको ये देखना होगा कि जितने भी नंबर हैं, क्लियर, ये सारे के सारे नंबर जो हैं इस 7/8 के जो डेसिमल वैल्यूज हुआ ये सब इनसे छोटे हैं, ये सब के साथ अगर इनका 1/1 0.8 से कंपेरिजन करोगे तो ये छोटे रहेंगे। अब इसी को तुम क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में 61/100 दे सकते हो, रेशन नंबर में इसको 61/100 दे सकते हो, ठीक है, इसको 60/100 दे सकते हो, तो इस तरीके से आप रेशन नंबर को आप निकाल सकते हो। तो मैंने दो मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, इसके अलावा आप चाहो तो एक और मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो, अब मान लो ये 3/5 है और ये 7/8 दिया हुआ है, तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें, जैसे मान लो कि 5/8 का एलसीएम जो है तुम्हारा 40 आता है, तो इसमें तुम 8 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें तुम 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ देखो 3/8 जो क्या हुआ 24/40 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया 35/40 हो गया। अब इसके बीच में तुम रेशनल नंबर 25/40 ले सकते हो, 26/40 ले सकते हो, 27/40 ले सकते हो, तो आपने देखा कि ऐसे हम नंबर डाल ले सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ही प्रॉब्लम को मैं तीन तरीकों से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसी में एक और चीज पूछी जा रही है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। तो मैंने बताया कि भाई दो नंबरों के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, तो अनगिनत संख्या है, तो आप चूंकि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्फिनिटी, यानी बहुत सारे नंबर्स हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया गया है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बताया दिया गया है कि एक रेशनल नंबर 3/7 है और दूसरा 5/7 है, तो मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, आप किसी भी मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हो, क्लियर। तो अगर आप अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर, तो ये हो गया 6/40 और यहाँ पे 10/14 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम रेशनल नंबर निकालने जाएं और इसमें पूछा जा रहा है कि 4,
तो फोर अगर पूछा रहा है तो अब मान लो यहाँ पे निकालोगे तो तुमको केवल जो है तीन रेशन नंबर आपको मिल जाएंगे और चौथा तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप चाहो तो इसके डिनोमीटर को थोड़ा हाई कर लो, मतलब इनकी वैल्यू को बढ़ा दो आप, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करिए कि अगर हम यहाँ पे इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान रखना कि दोनों का डिनोमीटर सेम रहना चाहिए। तो ये हो गया 9/21 और ये आपका 15/21 हो रहा है। अब इसके बीच में आप 10/21 लिख सकते हो, 11/21 लिख सकते हो, 12/21 लिख सकते हो, 13/21 लिख सकते हो, ऐसे आप तमाम तरह के इरेशनल नंबर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो मेथड बताया, जिस मेथड से आपको लगता है आप उस मेथड से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो आपके होमवर्क रहेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 2 और 3 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं और 6 निकालने हैं, इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालना होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को देख लूँ कि आपने जो लगाया है वो कितना बेहतर ढंग से आपने लगाया है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 ये है। प्रॉब्लम नंबर 7 जो है इसमें 3/5 और 2/3 ये रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो आप इन दो क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग देखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि ट्रू फॉल्स के बेसिस पे होंगे। अक्सर ये देखा गया है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लगा तो लगा नहीं तो नहीं लगा। तो इस तरह की गलतियां मत करिए क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। अब यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसमें पूछा जा रहा क्या कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको लिखना है। साथ में आपको उसको उसका रीजन भी देना होगा कि किस रीजन के बेसिस पे आप अपने आंसर को ये सवाल बता रहे हो। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है 9/1 कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर तुम्हारा कहाँ से बिगिन होता है, वो जीरो से बिगिन होता है। तो 0, 1, 2 एंड 3 ऐसे हुआ, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब होल नंबर जब ले रहे हो, ये ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर देखो ये 1 से जब स्टार्टिंग करोगे तो ये आपके नेचुरल नंबर से है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर से। लेकिन जब आप इसमें आप 0 को मिला दोगे तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो होगा ये होल नंबर्स हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, होल नंबर रहेंगे। कभी कभी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि भाई स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे बड़ा होल नंबर और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर का आंसर आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का या हर एक होल नंबर का सक्सेसर होता है। सक्सेसर का मतलब होता है कि उसके आगे आने वाली संख्या, यानी किसी भी नंबर में अगर मान लो 1 ऐड कर दोगे तो उसका सक्सेसर नंबर आपको मिल जाएगा आपको। तो अब पहला आपने स्टेटमेंट को आपने देख लिया, दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लीजिए। कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कह रहा है जितने भी होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। अब आप इसका आंसर क्या देंगे, यस या नो में क्या देंगे, इसके लिए समझिए आपको कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि जितने भी होल नंबर रहेंगे सब नेचुरल नंबर रहेंगे। तो ये बताओ नेचुरल नंबर तुम्हारा कहाँ से बिगिन होता है, 1 से बिगिन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप देख रहे हो कि जब नेचुरल नंबर लिख रहे हो तो इसमें 0 स्टार्टिंग 0 से तो हुआ नहीं है, यानी 0 से तो हुआ नहीं है। तो अब आप यहाँ पे इसका जब आंसर दोगे तो इसका आंसर सीधे जो है आप फास दोगे क्योंकि जो है 0 जो है ना आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से बिगिन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फास होगा। और रीजन में आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे कि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्लियर।
उसके बाद से दिया है तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट ये दे रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो आपको ये सोचना होगा भाई इंटीजर की तीन कैटेगरीज होती है, इंटीजर्स की तीन कैटेगरीज होती है। एक तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। एक होता है ज़ीरो, ठीक है, ये भी एक स्पेशल टाइप का इंटीजर है। और ये ध्यान रखना कि जीरो का कोई साइन नहीं होता है। और एक होता है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये बताओ कि जब हम जीरो और नेचुरल नंबर को मिलाएंगे तो ये दो इंटीजर जो होंगे ये तुम्हारे होल नंबर में चले जाएंगे। लेकिन जो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होगा जैसे लाइक माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है, सॉरी मतलब इनको आप होल नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि होल नंबर की बिगिनिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है। तो जब आप देखते हो कि जब होल नंबर की बिगिनिंग जीरो से हो रही है उसमें निगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वह जरूरी नहीं कि सबके सब होल नंबर हों, क्लियर। तो यहाँ पे आप अगर इसका रीजन दोगे तो आप उसमें लिख देना कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कॉल्ड अ होल नंबर, वहाँ पे आप रीजन मेंशन कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे चौथे स्टेटमेंट को कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी इंटीजर होगा उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा सकता है। जैसे मान लो कि अगर जीरो है तो जीरो को तुम जीरो बाई वन लिख सकते हो। अब रेशनल नंबर के लिए कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर इंटीजर होना चाहिए, डिनोमेटर भी आपका इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमेटर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी तो ऐसे एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से फाइव है एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको तुम फाइव बाई वन लिख सकते हो। तो यहाँ न्यूमरेटर भी इंटीजर हो गया, डिनोमेटर भी इंटीजर हो गया, क्लियर। इसकी वैल्यू जीरो तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर होंगे वो सब के सब रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा क्या कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो अब चूंकि इसका आंसर ये जो भी पिछला वाला जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे जो पूछा जा रहा था कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो इसका आंसर लिख देना यस। और रीजन में जब लिखना होगा कि क्या कैसे इसको आप जस्टिफाई करोगे तो आप लिख देना जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई वन, फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई वन, क्लियर। यानी इस तरीके से हम रेशनल नंबर के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट ये है कि पूछा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो पहली चीज़ इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन का फिफ्थ वाला स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है। अब मान लो तुम इसका रीजन देना चाहते हो, किस रीजन के बेसिस पे ये कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं तुमको सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैं मान लो ये तुम्हारा जो है वन बाई टू है, ये एक रेशनल नंबर है, और टू बाई वन ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो ये दो रेशनल नंबर है, अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, मतलब एज ए कंप्लीट नंबर के फॉर्म में आएगा, तभी तो इंटीजर को बोलोगे। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो बिना डेसिमल पार्ट के आते हैं, ठीक है। तो वन बाई टू इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5, बट इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों के रिजल्ट में डिफरेंसेस हैं, क्लियर। तो वहाँ पे आप लिख देना कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रेशनल नंबर एज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जितने रेशनल नंबर होंगे सब इंटीजर में ही आएंगे। हो सकता है इसमें कुछ का आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में जाए, हो सकता है कुछ का आंसर जो है इंटीजर के फॉर्म में जाए, क्लियर। तो यहाँ पे जब इसका स्टेटमेंट जब आंसर दोगे तो फॉल्स दोगे, और रीजन देना होगा तो आप इस तरीके से आप रीजन दे सकते हो। तो ये मैंने आपको पांच स्टेटमेंट मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। अब एक आखिरी स्टेटमेंट देख लो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ठीक जैसा अभी मैंने फिफ्थ वाला आपको बताया है उसी तरीके से सिक्स वाला भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे भी इसका जो स्टेटमेंट का जो आंसर जो दोगे वो दोगे फॉल्स दोगे। अब यहाँ देख लो, एक एग्जांपल समझा दे रहा है।
कि मान लो कि ये 5/1 तुम्हारा 1 है और यहाँ तुम्हारा -5/1 है, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इस 5/1 की वैल्यू 5 आ रही है जो कि होल नंबर है, और यहाँ पे इस रेशनल नंबर की वैल्यू क्या आएगी, -5। तो अब ये जो तुम्हारा -5 है ये आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये होल नंबर आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर की भी निकास होती है, जीरोस होती है, तो उसमें कोई भी निगेटिव नंबर इन्वॉल्व तो होगा नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेशनल नंबर का रिजल्ट तुम्हारा होल नंबर में आए, हो सकता है कि वो डेसिमल में आ जाए, या हो सकता है उसका आंसर निगेटिव, यानी मतलब ये आ सकता है कि निगेटिव फॉर्म में भी आ सकता है, यानी माइनस के साथ आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा, और जो मैंने होमवर्क अभी आपको दिया है उसको करके, और चाहो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।